हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और एक क्वेश्चन है जिस पर मैं आज डिस्कस करना चाह रहा हूं। मुझे कुछ लोगों ने पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति उपेक्षापूर्ण कार्य करता है, नेग्लिजेंट एक्ट करता है, जिससे कोई संक्रामक रोग, कंटेजियस डिजीज फैलने की पॉसिबिलिटी है, तो क्या ये अपने आप में एक अपराध है। तो ये प्रश्न बड़ा काम का है। उसका रीज़न है कि विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग फैल रहे हैं और फैले हुए हैं, और ये कंटेजियस डिजीज़ लगातार फैल रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है जो इससे बचा सकती है, वो है प्रिकॉशनरी मेथड। अगर आप ऐसे कोई कार्य न करें जिससे कि रोग के फैलने की पॉसिबिलिटी हो, तो अपने आप ही रोग फैलना बंद हो जाएगा। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर क्या ये अपने आप में ऑफेंस है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन पीनल कोड यानी हमारी आईपीसी 1860 की बहुत ही वास्ट है। इट इज़ नोन एज द बाइबल ऑफ पीनल लॉ। दांडिक विधि का सबसे बड़ा संग्रह है हमारा ये इंडियन पीनल कोड। और ऐसा कोई भी काम जो आपको आंख बंद करके सोचने पर लगता है कि ठीक नहीं है, ये गलत है, उसके लिए आईपीसी में कहीं ना कहीं कोई पनिशमेंट दिया गया होगा। तो बस आपको करना ये है कि पन्ने खोलने हैं और सीधे जंप करना है सेक्शन 269 और 270 आईपीसी में। सेक्शन 269 270, ये दो सेक्शंस ऐसे रोगों के बारे में बात करते हैं जो फैलने वाले हैं, संक्रामक हैं, और इनको अगर कोई जानबूझकर या उपेक्षापूर्ण रूप से, नेग्लिजेंटली और विलफुली, इंटेंशनली किसी को फैलाता है, किसी को बीमार करता है, रोगी बनाता है, तो सज़ा का प्रावधान है। देखिए ये सेक्शंस क्या कह रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सेक्शन 269 आईपीसी रिट सेज, हूएवर अनलॉफुली और नेग्लिजेंटली डज एनी एक्ट व्हिच इज एंड व्हिच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू स्प्रेड द इन्फेक्शन ऑफ एनी डिजीज डेंजरस टू लाइफ शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन और विद बोथ। ये धारा कहती है जो कोई विधि विरुद्ध रूप से या उपेक्षा से ऐसा कार्य करेगा जिससे कि और जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग या संक्रम का फैलना संभाव्य है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की होगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर हम देखते हैं सेक्शन 270 क्या कहता है। हूएवर मैलिग्नेंटली डज एनी एक्ट विच इज एंड विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू स्प्रेड द infection of any disease dangerous to life shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। हिंदी में ये धारा कहती है कि जो कोई परिद्वेश से या ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे कि और जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता है कि जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रम फैलना संभाव्य है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये दो सेक्शंस आपने देखे, एक कहता है नेग्लिजेंट एक्ट है और एक में मैलिग्नेंट एक्ट है। एक में उपेक्षापूर्ण कार्य है, एक में परिद्वेषपूर्ण कार्य है। दो धाराएं बीमारी को फैलाने वाले किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को दोषी ठहराती है। तो अगर किसी को ऐसा कोई रोग लग गया है जो संक्राम्य है, जो कंटेजियस है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रिकॉशन बरतना चाहिए कि बीमारी दूसरों तक न फैले। अगर ऐसा होता है तो सज़ा का प्रावधान है सेक्शन 269 और 270 आईपीसी में। कानून की इस बारीकी को मैंने बहुत ब्रीफ में आज आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं विधिक शिक्षा के अगले किसी लेक्चर में और समझते हैं कानून की ऐसी ही कोई बारीक बात जो हमारे दिमाग में या तो हम पढ़ते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, या हमारी समझ से बाहर चली जाती है। उम्मीद करता हूँ मैं इस लेक्चर में आपको बातों को समझाने में सफल हुआ हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।